यूं तो पुलिस की ड्यूटी और छुट्टी का दर्द सभी जानते हैं, लेकिन उसका निवारण करने वाला कोई नहीं है। इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर मेरठ के रोहटा थाने में तैनात दारोगा ने छुट्टी न मिलने से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करने को तैयार है। मैंने कुल मिलाकर यहाँ से यूपी पुलिस से रिजाइन देना चाह रहा हूँ। पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर था। एक तो यहाँ का जो है ड्यूटी शेड्यूल मुझे शूट नहीं कर रहा है, इसका मेन कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। मुझे शूट नहीं कर रहा है और कंटिन्यू जब से तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, डॉक्टर्स को भी दिखा रहा हूँ मैं, और जब तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैंने अपना जाना ही उचित समझा है। आज मैम ने मेरा जो है यहाँ से जो है फॉरवर्ड कर दिया है सीनियर ऑफिसर्स के लिए। तो आज आपने रिजाइन दिया है क्या? नहीं, रिजाइन नहीं दिया है अभी, मैम ने फॉरवर्ड किया है एज पर रूल सीनियर ऑफिसर्स के लिए अभी। अजीत जी, कौन से थाने के अंदर आप तैनात हैं? मैं रोहटा थाने में। पोस्टिंग कब की है तुम्हारी? दो अभी सितंबर 2017। तो अब मतलब भर्ती आपके कब किया? भर्ती बैच तो 2011 बोला जाता है, वैसे 15 का बैच है हमारा। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, वहीं अपने वापस पद पर जाना चाहता हूँ। ड्यूटी यहाँ मुझे ड्यूटी शेड्यूल यहाँ का सूट नहीं कर रहा। सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनिंग है जो आज मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इनका कहना है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और ये स्वेच्छा से ये अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। इससे पहले ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पे ये रहे हैं और वापस कांस्टेबल के पद पे ये जाना चाहते हैं। इनसे कारण पूछा गया है तो इन्होंने अपना स्वास्थ्य खराब होने का कारण बताया है। जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई है रेजिग्नेशन लेने की, वीआरएस लेने की, उसको उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो भी इनकी रेजिग्नेशन की डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि दारोगा पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और दिल्ली में ड्यूटी के बाद रेस्ट मिलता था, लेकिन यूपी में ड्यूटी करने पर ऐसा नहीं मिलता। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।